पश्चिम बंगाल में विरोध का झंडा खुद मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने थाम लिया है। सोशल मीडिया पर भी हम कागज नहीं दिखाएंगे का पोस्ट ट्रेंड कर रहा है। मंत्रालय ने कहा था कि 18 करोड़ भारतीय मुसलमानों को किसी भी स्थिति में सीए से डरने की बिल्कुल भी जरूरत है, तो अभी से किसी को डरने की जरूरत नहीं है। हालांकि सरकार सस्पेंस में कहीं ना कहीं लोगों को रख रही है कि वो लेकर आएगी या नहीं लेकर आएगी। भारत एट 9 देख रहे हैं आप, आपके साथ मैं हूं काजोल नारायण। नागरिकता संशोधन कानून सीए को लेकर लगातार हम वीडियोस बना रहे हैं और हर एक इन्फॉर्मेशन आप तक पहुंचा रहे हैं। देखिए, इसके लागू होते ही देश के कई हिस्सों में विरोध प्रदर्शन शुरू हो गया है। पश्चिम बंगाल में विरोध का झंडा खुद मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने थाम लिया है। सोशल मीडिया पर भी हम कागज नहीं दिखाएंगे का पोस्ट ट्रेंड कर रहा है। अब ऐसे में सवाल ये उठ रहा है कि सीए कानून लागू होने से मुसलमान क्यों डर रहे हैं, वो भी तब जब केंद्र सरकार बार बार ये कह रही है कि भारतीय मुसलमानों पर इस कानून का कोई असर नहीं होने वाला है और ना ही उनके कोई भी अधिकार छीने जाएंगे। 12 मार्च को भी केंद्रीय गृह मंत्रालय ने सीए को लेकर एक बयान जारी किया। मंत्रालय ने कहा था कि 18 करोड़ भारतीय मुसलमानों को किसी भी स्थिति में सीए से डरने की बिल्कुल भी जरूरत है नहीं, वो भारत में रहने वाले हिंदुओं की तरह ही अपने सभी अधिकारों का इस्तेमाल कर सकते हैं। इस खास पेशकश में इन्हीं सवालों के बारे में विस्तार से आपको मैं बताऊंगी। सीए देश में लागू, एनआरसी की चर्चा भी तेज हो गई है। जी हाँ, देश में कानून बनने के 4 साल बाद केंद्र सरकार ने सीए का नोटिफिकेशन जारी किया। केंद्र के इस नोटिफिकेशन से बांग्लादेश, अफगानिस्तान और पाकिस्तान के अल्पसंख्यकों को आसानी से भारत की नागरिकता मिल जाएगी। हालांकि सीए कानून लागू होने के बाद अब एनआरसी की चर्चा देश भर में बहुत ज्यादा तेज है। हैदराबाद के सांसद असदुद्दीन ओवैसी का कहना है कि केंद्र जल्द ही एनआरसी और एनपीआर कानून लागू करने जा रही है। ओवैसी के मुताबिक संसद में अमित शाह ने एक बार कहा था कि पहले सीए आएगा, फिर एनआरसी और एनपीआर लाया जाएगा। एनआरसी क्या है और एनपीआर से ये कितना अलग है? देखिए, राष्ट्रीय नागरिक रजिस्टर एक दस्तावेज है जो नागरिकता से जुड़ा हुआ है। इसमें स्थायी नागरिकों का रिकॉर्ड रखा जाता है। भारत में पहली बार 1955 में नागरिकता से जुड़े कानूनों में इसका जिक्र किया गया था। आमतौर पर विदेशी सीमा से घिरे हुए राज्यों में एनआरसी दस्तावेज तैयार करने की बात कही गई है, जिससे अवैध घुसपैठियों की आसानी से पहचान की जा सके। बात एनपीआर की करें तो ये भी एक रजिस्टर है, लेकिन इसमें देश और विदेश के सभी नागरिकों को शामिल किया जाता है। सरकार डेटा मेंटेन रखने के लिए तैयार करवाती है। एनपीआर का मुख्य उद्देश्य लोगों की गतिविधियां भी जानने का है, जिससे कोई बड़ी अनहोनी ना हो जाए। मुसलमानों को एनआरसी से डर क्यों है, आपको समझाते हैं। असम का एनआरसी लिस्ट का एक बड़ा उदाहरण हो सकता है। पूर्वोत्तर के राज्य असम देश का एकमात्र ऐसी जगह है जहां पर एनआरसी रजिस्टर तैयार किया गया। असम सरकार के मुताबिक राज्य में एनआरसी तैयार करने में 3 साल का वक्त लग गया। इन 3 सालों में 3.29 करोड़ नागरिकता साबित करने के लिए 6.5 करोड़ दस्तावेज सरकार को भेजे गए। सरकार ने जो फाइनल ड्राफ्ट पेश किया उसके मुताबिक सिर्फ 3.13 करोड़ लोग ही नागरिकता के पात्र थे। अब सरकार के मुताबिक करीब 19 लाख लोग अपनी नागरिकता साबित नहीं कर पाए। ये असम के कुल नागरिकों का 10% है। असम एनआरसी लिस्ट आने के बाद गैर सरकारी संस्था सिटीजन फॉर पीस एंड जस्टिस ने राज्य का दौरा किया। बात एनपीआर की करें तो ये भी एक रजिस्टर है, लेकिन इसमें देश और विदेश के सभी नागरिकों को शामिल किया जाता है। सरकार डेटा मेंटेन रखने के लिए तैयार करवाती है। एनपीआर का मुख्य उद्देश्य लोगों की गतिविधियां भी जानने की है, जिसमें कोई बड़ी अनहोनी ना हो। मुसलमानों को एनसीआर से डर क्यों है, ये हमने आपको असम का एक उदाहरण देकर समझाया है कि असम में किस तरह की चीज़ें हो रखी हैं और हुई हैं। आपको बता दें कि यहाँ पर अगर देखा जाए तो नागरिकता कानून लागू हुआ तो पहले सभी समुदाय के लोगों को दस्तावेज के आधार पर बाहर किया गया था। ये असम की ही मैं बात कर रही हूँ। हालांकि विशेषाधिकार नीति की वजह से स्वदेशी समुदाय के लोगों को नागरिकता मिल गई, लेकिन रोहिंग्या समुदाय इससे वंचित रह गया। नागरिकता छीनने के बाद रोहिंग्या के खिलाफ
बाद के दिनों में पूरे म्यांमार में हिंसक घटनाएं हुई, ये भी एक तस्वीर नजर आती है। अधिकारियों पर ही सारा दामोदार, इन्हें चुनौती देना जटिल काम हो सकता है। देखिए, देश में अगर एनआरसी लागू होता है तो इससे अमल में लाने की जिम्मेदारी सरकारी अधिकारियों कर्मचारियों पर ही रहेगी। असम में एनआरसी डेटा फाइनल करने के लिए राज्य सरकार ने 60,000 कर्मचारी लगाए थे। असम में एनआरसी कार्यों में शामिल रहे आईएएस अधिकारी का कहना है और उन पर अनियमितता का भी आरोप है, उनके खिलाफ असम सरकार की जांच चल रही है। गैर सरकारी संस्था सीजेपी के मुताबिक असम में ऐसे कई लोग थे जिनके पास नागरिकता के दस्तावेज थे नहीं, लेकिन अधिकारियों की अड़ियल रवैये और लापरवाही की वजह से उनका नाम एनआरसी की सूची में शामिल नहीं किया गया। सीजीपी के मुताबिक असम ग्वालपाड़ा स्थित खूटापुर गांव के सकेन अली के दस्तावेज में मामूली गलती होने की वजह से अधिकारी ने उनके दस्तावेज को संदिग्ध बता दिया, जिसके बाद उसे डिटेंशन सेंटर में भेज दिया गया। सकेन अली के दस्तावेज में सकेन की जगह पर सखेन लिखा गया था। सीजीपी की माने तो असम में उसके पास इस तरह के कई मामले सामने आए थे। अब असम सरकार के मुताबिक जिन लोगों का दावा सरकार से खारिज कर दिया गया है उन्हें ट्रिब्यूनल और हाईकोर्ट जाना पड़ेगा। जानकारों का कहना है कि एक जटिल प्रक्रिया है, पूरे भारत में अगर ये लागू होता है तो कोर्ट पर मुकदमों का बोझ बढ़ेगा और लोगों को नागरिकता साबित करने में सवालों का वक्त लग सकता है और सालों का भी इसमें इंतजार करना पड़ सकता है। एनसीआर से जुड़े दो मुद्दे भी परेशान कर देने वाले हैं। केंद्र सरकार खुलकर ये नहीं कह रही है कि वो राष्ट्रीय नागरिक रजिस्टर तैयार करेगी या नहीं, अगर तैयार करती है तो इसका स्वरूप क्या रहने वाला है? क्या असम की तरह केंद्र का भी कट ऑफ डेट 1970 ही रहेगा? क्योंकि अधिकांश लोगों की शिकायत है कि उनके पास इतना पुराना डॉक्यूमेंट्स नहीं है। नागरिकता को लेकर दुनिया भर के देशों में अलग अलग कानून हैं। वहीं बीते सोमवार को भारत में नागरिकता संशोधन अधिनियम के नियम लागू हो गए हैं। इसके बाद भारत के तीन पड़ोसी देश का जिक्र लगातार हम कर रहे हैं, लेकिन क्या आप जानते हैं कि अमेरिका जैसे देशों में अल्पसंख्यकों को कैसे नागरिकता मिलती है, वहाँ का कानून क्या कहता है? अमेरिका की बात करें तो एक रिपोर्ट के मुताबिक अमेरिका में साल 2023 में करीब 60,000 से ज़्यादा भारतीयों ने नागरिकता ली है। जानकारी के मुताबिक अमेरिका की नागरिकता लेने वालों में भारतीय दूसरे नंबर पर हैं। अमेरिका के सिटीजनशिप एंड इमिग्रेशन सर्विसेज की रिपोर्ट के मुताबिक पिछले साल 2023 में 8.7 लाख विदेशी अमेरिकी नागरिक बने हैं। इनमें 1.1 लाख से ज़्यादा नागरिक मेक्सिको के हैं। वहीं 60,000 से ज़्यादा भारतीयों ने अमेरिका की नागरिकता ली है। इसके अलावा 44,000 फिलीपींस और 35,000 डोमिनिकन रिपब्लिक के लोगों ने अमेरिका की नागरिकता ली है। अमेरिका की नागरिकता लेने के नियम क्या हैं? अमेरिका में नागरिकता पाने के लिए इमिग्रेशन एंड नेशनैलिटी एक्ट में दी गई पात्रताओं को पूरा करना है। जानकारी के मुताबिक अमेरिका में किसी विदेशी नागरिक को नागरिकता हासिल करने के लिए कम से कम 5 साल तक वैध स्थायी निवासी होना जरूरी है। इसके अलावा कोई विदेशी नागरिक किसी अमेरिका से शादी करता है उस स्थिति में उसे 3 साल तक वैध स्थायी निवासी होना जरूरी है। अब इसी तरह, क्योंकि भारत में बात हो रही है कि भारत में ऐसा है, बाहर क्यों नहीं है, तो बाहर भी है, दूसरे देशों में भी है, वही मैं आपको बता रही हूँ। अमेरिका का जिक्र किया मैंने, अब रूस का भी जिक्र कर लेते हैं। रूस में कई आधार पर नागरिकता मिलती है, जैसे किसी बच्चे के जन्म के समय अगर माता पिता में कोई एक रूसी नागरिक है। इसके अलावा रूस में बच्चे के जन्म को लेकर और भी नियम हैं। सामान्य प्रक्रिया में रूस में रहने वाले विदेशी नागरिक रूसी नागरिकता के लिए आवेदन कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए आपके पास वैध स्थायी निवास परमिट होना चाहिए। इसके अलावा वो 5 सालों के लिए रूस में एक स्थायी निवासी के रूप में रह चुका हो। नागरिकता पाने के लिए रूसी संविधान का पालन करने के लिए सहमत होना चाहिए। रूस के साथ दोहरी नागरिकता वाले देशों को छोड़कर अगर कोई नागरिक अपने देश की नागरिकता छोड़कर आता है तो वो भी आवेदन कर सकता है। इसी तरह अगर मैं जर्मनी का जिक्र करूँ तो जर्मनी में भी कुछ ऐसा ही है। जर्मनी की नागरिकता 3 आधार पर दी जाती है। इसमें पहला नेचुरलाइजेशन, दूसरा वंश के आधार पर जिसे इसे लैटिन भाषा में जूस सेनेसिस कहा जाता है, तीसरा मिट्टी के अधिकार पर इसे लैटिन भाषा में जूस सोली कहा जाता है। इसके लिए आप जर्मनी में कम से कम 8 साल के लिए निवास के लिए परमिट हो जाएं। वहीं जर्मन भाषा की प्रवीणता कम से कम B1 स्तर की होनी चाहिए। आपका कोई आपराधिक रिकॉर्ड नहीं होना चाहिए। इन सब के बाद आपको नागरिकता परीक्षा उत्तीर्ण करनी होती है। आप वंश के आधार पर भी जर्मन नागरिकता के लिए आवेदन कर सकते हैं। इसके लिए आपके माता पिता में से कोई एक जर्मनी का नागरिक होना चाहिए। वहीं अगर व्यक्ति के जन्म से पहले माता या पिता कम से कम 8 साल तक जर्मनी में रह चुके हैं तो भी आप आवेदन कर सकते हैं। बता दें कि जर्मनी ने कई देशों के साथ दोहरी नागरिकता के लिए संधि की है। तो ये कुछ उदाहरण थे जो मैंने आपको बताए हैं। और आखिर डर क्यों है, तो असम के आधार पर, म्यांमार के आधार पर भारतीय मुसलमानों में डर है, लेकिन अभी एनसीआर नहीं आया है। लेकिन अभी एनआरसी नहीं आया है,
तो अभी से किसी को डरने की जरूरत नहीं है। हालांकि सरकार सस्पेंस में कहीं ना कहीं लोगों को रख रही है कि वो लेकर आएगी या नहीं लेकर आएगी, लेकिन अभी तक ऐसा कुछ नहीं है। अभी सीए को लेकर ही चर्चा हो रही है, लेकिन लोगों के मन में जो डर है वो हमने क्लियर किया है इस वीडियो के माध्यम से। उम्मीद है कि जो डर लोगों के बीच बना हुआ है उसको लोग समझने की कोशिश करेंगे। आज के लिए बस इतना ही, कल फिर लौटेंगे किसी और मुद्दे पर बात करेंगे। धन्यवाद।